फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में जो गायरस हैं और सल्कस है वो दिखने लगे हैं। पहला सुपीरियर फ्रंटल सल्कस है, फिर साथ में उसका इंफीरियर फ्रंटल सल्कस है। तो ये उसका सुपीरियर फ्रंटल गायरस है, दरमियान में मिडल फ्रंटल गायरस है और इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। इसके बाद ये दरमियान में सबसे जो जा रहा है ये है सेंट्रल सल्कस। इसके जो आगे वाला एरिया है उसका नाम है प्री सेंट्रल गायरस और जो उससे पीछे वाला एरिया है पोस्ट सेंट्रल गायरस। और ये वाला प्री सेंट्रल सल्कस है और ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस है। अब इसमें पैराइटल लोब में आएंगे। पैराइटल लोब में लेटरली वैसे जाते हैं, यहाँ पे सरल सही नहीं नज़र आ रहा। इसमें जो जा रहा है इसका नाम है इंट्रा पैराइटल सल्कस। उसके बाद आ जाए इस साइड पे लेटरल, ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में एक ही सल्कस जा रहा है, वो ये वाला सल्कस जा रहा है, उसमें लेटरल सल्कस है। उसके नीचे जो दो हैं टेम्पोरल में, एक है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस है और साथ में मिडल टेम्पोरल सल्कस है। तो ये डिवाइड कर रहा है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। अब इसी के नीचे जब जाते हैं तो उसके बाद दो सल्कस आ रहे हैं, एक है कोलेटरल सल्कस और एक है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। अब इसमें जो फ्रंट वाला एरिया हुआ है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, फिर मीडियल टेम्पोरल टेम्पोरो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है और साथ में लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। उसके बाद अंदर वाली साइड से इसमें जो है ना आपने याद रखना है कि ये वाला जो सल्कस है इसका नाम है प्राइटो टेम्पोरल सल्कस, प्राइटो ऑक्सीपिटल, प्राइटो ऑक्सीपिटल, क्योंकि प्राइटल सामने और इधर ऑक्सीपिटल है, प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। और उससे नीचे जो है वो है कैल्केराइन सल्कस। इसके जो प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के जो फ्रंट वाला एरिया उसका नाम है प्री क्यूनियस और जो उससे पीछे वाला एरिया नाम है उसका क्यूनियस। और जो ये है ये लिंगुअल गायरस है जो कैल्केराइन सल्कस के पीछे है। उसके बाद ये सल्कस जो है इसका नाम है सिंगुलेट सल्कस, उसके नीचे सिंगुलेट गायरस है, उससे नीचे जो है क्लोजल सल्कस है, उसके नीचे कॉर्पस क्लोजम।